Myself, Nitesh Das, and I am an assistant professor in a college. I have taught till this far, that is the introduction in transportation engineering, and including that, I have started the unit 2, which is the geometric design of highway. Okay, and in geometric design, we have learned the roadway cross section, curves, okay, and different other things we have learned so far. Okay, so now in this class, we will get to know the side distance and what are the criteria, what are the factors, and what are the let's get started. And there is a request to all you guys that if you like the video, then please like, share, and subscribe. Okay, so without any delay, let's get start with the video. Okay, so in this video we can see that the width of the roadway, iske bare mein hum log पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि रोडवे विद क्या होता है और रोडवे विद में क्या क्या जगह इंक्लूड करते हैं, क्या क्या जगह मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ अभी कि रोडवे विद में जो रोड का कैरेज वे होता है उसका, फिर जो शोल्डर होता है उसका विद, फिर जो ये दोनों मिला के जो विद होता है ये होता है विद ऑफ रोडवे, और अगर हम लोग कैरेजवे का विद, रोडवे का विद और जो ड्रेनेज गैलरी का विद ये सब मिला के अगर रोड बाउंड्री तक हम देखते हैं, रोड मार्जिन तक हम देखते हैं, तो ये जो टोटल विद रह गया, तो ये टोटल विद हो गया कि आपका राइट ऑफ वे। ठीक है, डिफरेंस समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है, विद ऑफ रोडवे कौन सा है और राइट वे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया, अब हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये जो रोड वो विद है, ये रोड क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं प्लेन एंड रोलिंग एरिया, माउंटेन एंड स्टीप एरिया, इसको हम बोलते हैं कि टेरेन बोलते हैं। ये टेरेन क्या होता है कि ये जो एक कंट्री का स्लोप होता है विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए कि हम लोगों का जो इंडिया है, ये इंडिया का टेरेन क्या है, ये टेरेन हम लोगों को पता चलेगा कि इंडिया में कितना जगह आपका माउंटेनियस टेरेन है, कितना जगह आपका स्टीप टेरेन है, कितना जगह आपका प्लेन टेरेन है, ये पूरा मिला के ऑन एन एवरेज कैसा टाइप का कंट्री है, कैसा टेरेन का कंट्री है, ये हम लोगों को पता चलेगा ये टेरेन में। ठीक है, तो उसी हिसाब से टेरेन को ये चारों भाग में भाग करते हैं, प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। इसको हम कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं ये थोड़ा हम आगे जानेंगे, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो रोड क्लासिफिकेशन है, ये रोड क्लासिफिकेशन के ऊपर में डिपेंड करके जो हम लोग का रोडवे विद ऑफ द रोडवे है वो क्या करता है, ये अगर सिंगल लेन होता है तो इसका जो रोडवे विद होता है 12 मीटर, ये अगर सिंगल लेन में है, अगर ये प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में है, अगर माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन में होता है तो ये 6.25 मीटर होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टू लेन रोड में, अगर आपका प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में आपका रास्ता है तो उसका विड्थ होगा 12 मीटर, और माउंटेनियस स्टीप टेरेन में उसका विड्थ होगा 8.8 मीटर। फिर आते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में आपका अगर सिंगल लेन होता है कोई रास्ता तो उसका विड्थ होगा 9 मीटर, और अगर टू लेन होता है तो उसका विड्थ होगा 9 मीटर। फिर ये दोनों हो गया आपका रोलिंग एंड प्लेन टेरेन में। अगर स्टीप एंड माउंटेनियस टेरेन में आते हैं तो फिर स्टीप टेरेन के लिए स्टीप एंड माउंटेनियस टेरेन के लिए टू लेन में कुछ नहीं बताया हुआ है IRC, बस 4.75 मीटर बताया हुआ है सिंगल लेन के लिए। फिर उसके बाद हम आते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड,
उसका क्या है कि सिंगल लेन होता है, अगर तो सिंगल लेन में उसका विड्थ होता है 7.5 मीटर और टू लेन में उसका विड्थ होता है 9 मीटर। फिर माउंटेनियस स्टीप टेरेन में बस सिंगल लेन के लिए दिया हुआ है 4.75 मीटर, ठीक। और आखिर में हम आते हैं विलेज रोड, ठीक। तो विलेज रोड में जो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन होगा तो उसका विड्थ होगा 7.5 मीटर और माउंटेनियस स्टीप टेरेन में 4 मीटर होगा रास्ते का विड्थ या रोडवे विद, ठीक। ओके आगे चलते हैं। फिर हम लोगों का आता है साइड डिस्टेंस। अब ये साइड डिस्टेंस क्या है इसके आगे हम जानेंगे, ये जानने से पहले हम जानेंगे कि साइड लाइन और साइड डिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। ये पिक्चर मैंने दिखाया हुआ है और इसको मैं प्रैक्टिकल फिगर से मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ये जो हम लोग देख पा रहे हैं तो ये जो मतलब मान लो यहां पे एक गाड़ी है, मान लो कि यहां पे एक गाड़ी है, यहां पे अरे रेड कलर, यहां पे एक गाड़ी है और यहां पे एक गाड़ी है, ठीक। तो ये दोनों गाड़ी के बीच में ये जो येलो कलर का जो लाइन है, ये जो येलो कलर का जो लाइन है इसको हम बोलते हैं साइट डिस्टेंस। मतलब ये दोनों गाड़ी विदाउट कोलिशन कितना डिस्टेंस में रुक जाएंगे तो वो डिस्टेंस होता है साइट डिस्टेंस। और साइट लाइन क्या होता है कि ये जो कार है इसमें स्ट्रेट जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट दोनों कार में स्ट्रेट जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट मतलब साइट लाइन। तो ये अगर ऐसे टाइप का बेंड होता है, कर्व होता है, तो इसी कर्व में ये जो ये 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक, मतलब यहां से 2 पॉइंट तक जो लेंथ है ये आपका हो गया साइट डिस्टेंस। और जो यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख पा रहे हैं ये होता है साइट लाइन, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहां नहीं, यहां पे होगा 2 पॉइंट, ठीक है। मतलब ये रास्ता जाके यहां पे जो होगा पॉइंट, यहां पे होगा 2 पॉइंट, ठीक है। तो यही आप यहाँ पे बता रहे हैं। तो अभी हम पढ़ के देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है साइट लाइन और साइट डिस्टेंस में। इट इज एन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट का एक ऑब्स्ट्रक्टेड जोन है, यहाँ पे हम देख नहीं सकते, यहाँ से वहां तक ये तो पत्थर है मतलब कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख नहीं सकते तो ये इसका लाइन ऑफ साइट ब्लॉक्ड है। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ इट इज ऑब्जर्व लाइन ऑब्स्ट्रक्ट लाइन ऑफ साइट एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ व्यूअर टू सम ऑब्जेक्ट और लैंडस्केप इन द डिस्टेंस ऑफ रोड, ठीक। उसके बाद साइट डिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ लेंथ ऑफ रोड विजिबल अहेड ऑफ द ड्राइवर एट एनी डिस्टेंस व्हिच हेल्प्स द ड्राइवर टू स्टॉप और मैन्यूवर हिज व्हीकल विदाउट एनी एक्सीडेंट। अब ये मैन्यूवर का मतलब क्या होता है, मान लो ये गाड़ी जा रहा है और इधर से गाड़ी आ रहा है, मतलब ऐसे टाइप का, दोनों गाड़ी जा रहा है इधर से गाड़ी आ रहा है। अब क्या होगा कि ये गाड़ी जो है, ये जो वाला गाड़ी है, इस गाड़ी के जो ड्राइवर है इसके दिमाग में दो चीज चलेगा, मतलब दो फाइनल कंक्लूशन आएगा, एक सामना सामने जाके रोक दे और दूसरा ऐसे टाइप का कोई पास साइड से निकल जाए, ऐसे साइड से निकल जाए। तो ये दोनों कंक्लूजन उसके दिमाग में आएगा। तो ये जो साइड से निकलना होता है मतलब साइड से ऐसे चले जाते हैं इसको बोलते हैं मैन्यूवरिंग, ठीक है। तो क्या है कि साइड डिस्टेंस इट इज अ लेंथ ऑफ रोड विजिबल अहेड ऑफ द ड्राइवर एट एनी डिस्टेंस व्हिच हेल्प्स द ड्राइवर टू स्टॉप द मैन्यूवर स्टॉप और मैन्यूवर हिज व्हीकल विदाउट एनी एक्सीडेंट। मतलब ये जो लाइन मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ये लाइन में जो गाड़ी है इस डिस्टेंस के भीतर, मतलब यहां से जो ड्राइवर देख पा रहे हैं कि यहां तक जो गाड़ी है ये डिस्टेंस के भीतर जो गाड़ी क्या करते हैं कि अगर बंद करना है तो बंद कर दे सकते हैं, अगर साइड से निकालना है तो साइड से निकाल सकता है। तो ये जो डिस्टेंस दोनों गाड़ी के बीच में रहता है, मतलब रहना चाहिए या हम लोग रखते हैं अकॉर्डिंग टू IRC ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये विजिबल नहीं है पर ये मैंडेटरी है, ठीक
ठीक है, इसके हिसाब से ही हम लोग डिजाइन करते बाकी। तो ये मैंडेटरी चीज है, इसको बोलते हैं साइट डिस्टेंस। उसके बाद हम आते हैं कि फॉर स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस द हाइट ऑफ द ड्राइवर शुड बी एट अ हाइट ऑफ 1.2 मीटर। यहां पे देखो, गौर करो, यहां पे मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, मैं जूम करता हूं, ठीक है। ये जो फिगर हम देख पा रहे हैं ना, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ये फिगर में ये जो ड्राइवर का हाइट होता है ना, ये ड्राइवर का हाइट इधर लेते हैं, मतलब पेवमेंट के ऊपर से लेते हैं ये हाइट, ठीक है। तो ये जो हाइट है, ये हाइट रहता है 1.2 मीटर, ठीक। और ये गाड़ी में जो ड्राइवर है उसका हाइट तो हम लोग, मतलब उसका आई लेवल का हाइट हम लोग को पता चल गया। और सामने जो वस्तु है या कोई गाड़ी है, मान लो कोई वस्तु ही है, तो इसका जो हाइट होता है पेवमेंट के ऊपर से, ये हाइट आपका रहता है 0.15 मीटर। क्लियर? अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, कोलिशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही यहां पे बता रहे हैं कि ये जो हाइट है फॉर स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, द हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई शुड बी एट अ हाइट ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द रोड सर्फेस। रोड सर्फेस के ऊपर से 1.2 मीटर होगा। और क्या है, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सर्फेस शुड बी 0.15 मीटर। ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये रोड सर्फेस ऊपर से 0.15 मीटर का डिस्टेंस में होना चाहिए, मतलब इसका हाइट ऐसा होना चाहिए। और ये साइड डिस्टेंस है, ये जो टर्म है वर्टिकल समिट कर्व, ये देख के बौखला मत जाना, इसको बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, वर्टिकल समिट कर्व क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक चीज तो बताया ही नहीं कि जो चीज मैं पहले एक बार डिस्कस किया था कि जो सेटबैक डिस्टेंस है। अब सेटबैक डिस्टेंस क्या है पता है? ये जो चीज है ना, यहाँ पे मैं रेड मार्कर से दिखा रहा हूं, ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसको ही हम बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है। ये इसीलिए सेटबैक डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेटबैक डिस्टेंस नहीं देंगे तो हम ये वाला जो गाड़ी है, मान लो यहाँ पे एक गाड़ी है और यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है, अगर ये सेटबैक डिस्टेंस नहीं दे, डिस्टेंस देने के लिए एक गाड़ी को तो दूसरा कार को देखना पड़ेगा ना, तो पता कैसे चलेगा। मान लो मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा हूँ, यहां से मैं गाड़ी लेके इधर जा रहा हूं, और उधर से एक आदमी गाड़ी लेके आ रहा है, वो झाड़ के पीछे से वो आ रहा है। अगर मैं उसको देख ही नहीं पाऊंगा तो मैं स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस या गाड़ी को स्टॉप कैसे करूंगा, इधर सामने जाके कोलिशन भी हो सकता है मेरा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग कर पाते हैं जब रास्ते में ये सेटबैक डिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं। तो सेटबैक डिस्टेंस बहुत मैंडेटरी चीज होता है, ठीक है, ये याद रखना। अभी हम आगे भी जानेंगे सेटबैक डिस्टेंस के बारे में, तो ये मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। अब ये चीज भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम रोड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम लोगों का ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं होता है। ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी हम थोड़ा जान लेते हैं। इट इज प्रोवाइडेड व्हेन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसी रास्ते पे हम लोग इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा चीज क्या बता रहा है, इट इज प्रोवाइडेड इमीडिएट ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटी टू फास्ट मूविंग व्हीकल। फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए इमीडिएट ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज द ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जितना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का वैल्यू होता है
उसका दुगना होता है ये इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस का वैल्यू। ठीक, अभी हम आते हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ठीक, अभी हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या है? हेडलाइट साइड डिस्टेंस ये है आपका वर्टिकल कर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होता है। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज द विजिबल डिस्टेंस टू द ड्राइवर एट नाइट। गौर से सुनिए, दिस डिस्टेंस इज द विजिबल डिस्टेंस टू द ड्राइवर एट नाइट, मतलब रास्ते में अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टेंस होता है ये हेडलाइट साइड डिस्टेंस। यही उसके लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को डिसाइड करते हैं, मतलब यही देख के एक ड्राइवर अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नाप लेते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं। ठीक है, और क्या है कि दिस डिस्टेंस इज द क्रिटिकल, इज क्रिटिकल एट अप ग्रेडियंट, मतलब ऐसा ऊंचा वाला जो ग्रेडियंट होता है, समिट वाला ग्रेडियंट होता है, दिस डिस्टेंस इज क्रिटिकल एट अप ग्रेडियंट एंड असेंडिंग स्ट्रेच ऑफ द वैली कर्व। वैली कर्व के असेंडिंग स्ट्रेच मतलब ऐसे टाइप का अगर रास्ता होता है, ऐसे उड़ गया है रास्ता। ठीक है, मतलब यहां से अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो दिक्कतें आती है, और यहां से अगर गाड़ी चलाएंगे तो दिक्कतें आती है। तो कैसी दिक्कतें आती है ये हम लोग जब समिट कर्व और वर्टिकल कर्व पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत मजा आने वाला है जब हम बोर्ड सब डिस्कस करेंगे। ठीक, सो दिस डिस्टेंस अप इज क्रिटिकल एट अप ग्रेडियंट एंड असेंडिंग स्ट्रेच ऑफ द वैली कर्व। तो यहां तक मैं आशा करता हूं आपको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके आगे हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में और थोड़ा जानेंगे, उसके बारे में डेरिवेशन करेंगे और एकदम डिटेल में समझेंगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, और इसका इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उसका एक दो मैथ देखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आज यहाँ तक हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे वीडियो में हम लोग आप लोगों से फिर से मिलते हैं।